हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है वो ब्लैक दिखाई देने लगती है, क्योंकि जो हमारी विंडो होती है दोस्तों वो एक मंथ के बाद एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, जब एक्सपायर हो जाती है तभी हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो ब्लैक दिखाई देने लगती है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक आपको SMS भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे Windows 7 कॉपी विंडो इज़ नॉट जेन्यून, के विंडो ये जेन्यून नहीं है। ठीक है, माई कंप्यूटर में देखिए, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी में Windows 7 अल्टीमेट, और यहाँ लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि जो विंडो एक्टिवेशन है वो जेन्यून नहीं है, मस्ट एक्टिवेट टुडे, वो एक्टिवेट करने के लिए हमें बोल रहा है। ठीक है, तो इस मैसेज को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी ब्लैक स्क्रीन है उसको कैसे हम सेट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग आज यही देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों कि इसको हम जेन्यू कैसे बना सकते हैं विंडो। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से जाकर भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने पहले से इसे डाउनलोड किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों मेरे पास यहाँ पे आ गया है, इसको मैं ओपन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक सेटअप है, ठीक है, इसको मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, कुछ ही सेकेंड लेगा दोस्तों इंस्टॉल होने में ये सॉफ्टवेयर। ये देखिए दोस्तों, जब हमारा सेटअप पूरी तरह इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ से जो मैसेज था वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट का मैसेज दिखाई दे रहा है, और हमें एक पॉपअप विंडो दिखाई दे रही है जो हमें रीस्टार्ट की ऑप्शन के लिए बोल रही है। ठीक है, यहाँ से हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी फिर। ठीक है, माई कंप्यूटर में जाएंगे, प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट में विंडो हमारी जो एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, विंडो एक्टिवेशन, ठीक है, यहाँ पर जेन्यू विंडो शो कर रहा है। तो इस तरह आप लोग जो ब्लैक स्क्रीन है उसको रिमूव कर सकते हो। सिंपली आपने एक और स्टेप करना है यहाँ पे, और यहाँ से इसे डिलीट कर देना। ठीक है, यहाँ से वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे आप अपनी विंडो को जेन्यू कर सकते। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर दोस्तों।